हेलो एवरीवन आई होप आप सभी अपने घर में सही सलामत होंगे मैं मैंने कुछ पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है जो कि मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ फॉर यू के जी यानी कि जो अभी क्लास वन में गए हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो क्लास वन में गए हैं उनके लिए ये मैंने वीडियो तैयार कर रखा है तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले है डेज़ नेम आप सभी को एक कॉपी बनानी है और इसे प्रॉपरली देख के उसमें नोट डाउन करनी है ये सारे वर्ड मिन, वर्ड मीनिंग्स को आप सभी को नोट करना है जैसे कि डेज़ नेम है डेज़ मीनस होते हैं दिन और आप सभी को मुझे पता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं इसको प्रोनाउंस खुद करूँगी और फिर आप सबको भी इसे राइट करते टाइम इसको प्रोनाउंस कर करके राइट करना है यानी बोल बोल के इसे लाउडली बोलना है आप सबको और फिर राइट करना है और लर्न करना है प्रॉपरली कॉपी में राइट करके और इसे पर डे लर्न करना है जैसे कि सन्डे संडे मिनस होता है रविवार मंडे सोमवार ट्यूसडे मंगलवार वेनस्डे बुधवार थर्सडे गुरुवार फ्राइडे शुक्रवार सैटरडे शनिवार ये तो हुआ हमारा डेज़ नेम नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है मंथ्स नेम जैसे जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी बोलने में आप सबको फास्ट बोल लेते हैं देखिए जनवरी फेबरुरी थर्ड है मार्च फोर्थ है अप्रैल फिफ्थ है मई सिक्स है जून सेवेंथ है जुलाई एट्थ है अगस्त नाइन नंबर नाइन है सितंबर टेन है अक्टूबर और इलेवन नवंबर और ट्वेल्व है दिसंबर हम यानी कि वन ईयर में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं और इसके नेम ऐसे हैं फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट हमारा है सीजन सीजन्स मीन्स होता है सीजन मीन्स होता है देखिए इसमें सीजन मीन्स होता है ऋतु ऋतु होता है और ऋतु देखिए इतने टाइप्स के होते हैं रेनी सीजन फर्स्ट विंटर सीजन समर सीजन स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन अभी हमारा समर सीज़न चल रहा है गर्मी का मौसम रेनी सीज़न मीन्स होता है बरसात का मौसम यानी वर्षा ऋतु विंटर मीन्स होता है शीत ऋतु और समर मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्म वाला और स्प्रिंग मतलब होता है बसंत और, और मतलब होता है पतझड़ पतझड़ जिसमें पत्ते पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा सम एक्शन वर्ड्स लाइक इट गो इट मींस होता है खाना गो मींस जाना कम मींस आना ड्रिंक मीन्स पीना स्लिप मीन्स सोना डांस मीन्स नाचना जंप मीन्स कूदना वॉक मींस चलना कम मीन्स कंघी वस मींस धोना रस मींस दांत साफ करना पटन मतलब पहनना पहनना नेक्स्ट हमारा है बॉडी पार्ट्स नेम लाइक हेयर हेयर मीन्स होता है बाल हेड मीन्स होता है सिर आई मीन्स होता है आँख एयर मीन्स होता है कान नोज मिन्स होता है नाक चिक मिन्स होता है गाल टिथ मिन्स होता है दाँत फोरमिंस माथा आईब्रो मिन्स भव लिप होट नेक गला सोल्जर कंधा आम भुजा चेस्ट छाती बैक पिट एल्बो कोहनी, स्टमक पेट नवल नाभि, हैंड हाथ फिंगर्स उंगलियाँ थींग सॉरी नी गुडना लग टांग फुट पैर टो पैर की उंगली सोल पैर का तलुआ तलवा एंकल टखना फनी पीस हथेली हिल मींस एड़ी ये हो गए हमारे बॉडी पार्ट्स नेम ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है वाटर एनिमल एनिमल मीन्स होता है जानवर और वाटर मीन्स होता है पानी यानी पानी वाले जानवर लाइक फिश फिश मीन्स होता है मछली फ्रॉग मेठक स्नेक सांप केकड़ा ऑक्टोपस क्रोकोडाइल मगरमच्छ पेंगुइन, सार्क सार्क मछली वेल मछली डॉल्फिन अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है बर्ड्स नेम लाइक पैरोट, पैरोट मीन्स होता है तोता क्रॉ मीन्स कौआ कक्कू मीन्स होता है कोयल है मीन्स मुर्गी पिकॉक मीन्स मोर स्पैरो आउल उल्लू काइट चिल ईगल पांच डक बत्तख ये हो गए हमारे बर्ड्स नेम बर्ड्स नेम नेक्स्ट है सेप्स सेप मींस होता है आकार सेप्स मींस होता है आकार देखते हैं इसमें कौन कौन सा सेप है सर्कल यानी वृत्त यानी सर्कल गोला जो होता है उसे हम लोग सर्कल कहते हैं ट्रायंगल जो ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत ओवल मीन्स अंडकार स्टार मीन्स तारा अभी ये सब आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन फिर भी आप सबको इसको राइट करके लर्न करना है क्यूब मीन्स घन घनाब सिलेंडर <coughs> बेलन नेक्स्ट है हमारा प्ले थिंग्स वह वस्तुएँ जिसे हम खेलते हैं लाइक बाईसाइकल ट्रेन डॉल बायसाइकिल मतलब साइकिल आप सब चलाते होंगे ट्रेन जो कि नहीं चलाते हैं लेकिन टॉय आता है ट्रेन का डॉलमेंस होती है गुड़िया बॉलमेंस गेंद काटमेंस पतंग टॉपमेंस लट्टू स्किपिंग रोप कूदने वाली रस्सी बैट बल्ला फुटबॉल ड्रम बाजा ये हो गए प्ले थिंग्स नेक्स्ट है हमारा क्रीचर्स लाइक मॉस्किटो मच्छर कॉकरोच तिलचट्टा झिंगूर बटरफ्लाई तितली स्पाइडर मकड़ी रिचार्ट छिपकली फ्लाई मक्खी बी मधुमक्खी, मक्खी इन मीन्स होता है चिंटी फर्स्ट इट मीनस होता है दिमक नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये तो हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है टूल्स टैप मींस पचकस स्क्रू स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर में होता है पिचकस कैंची सीजर में होता है कैंची होता है हथौड़ी नील किल सो मतलब आरी प्लग मीन्स हल मतलब कुल्हाड़ी नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट है सिंबल्स रुपया रुपी रुपया का सिंबल होता है ये प्लस सेकेंड है प्लस इसका आंधे होता है धन और साइन होता है ऐसा सिंबल होता है लाइक ये माइनस ऋण मल्टीप्लाई गुना डिवाइड भाग क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन प्रश्नवाचक जीरो नेक्स्ट है इक्वल यानी बराबर एंड यानी और ब्रैकेट कोष्ठक नेक्स्ट देखते हैं क्या है सिंबल के बाद क्या है सिंबल के बाद है स्कूल थिंग्स यानी कि विद्यालय के कुछ जो वस्तुएं होती हैं जो सामान होते हैं वो वो लाइक बैग like जो सभी लोग यूज़ करते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं पेंसिल वो सारे बच्चे यूज़ करते हैं जो राइट करते हैं जो राइट नहीं करते वो नहीं यूज़ करते हैं शार्पनर धार करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं बुक यानी पुस्तक जो बुक पढ़ते हैं हम लोग इरेजर मिटाने वाला यानी जहाँ भी हमसे मिस्टेक हो जाती है उसे इरेजर से मिटाते हैं उसे इरेज करते हैं उसे हम लोग इरेजर कहते हैं ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड मीन्स होता है श्याम्पट हालांकि हम लोग व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं और ब्लैक बोर्ड पर राइट करते हैं चौक से नेक्स्ट है चौक नेक्स्ट है डस्टर चौक को मिटाते हैं जिससे उसे धूल झाड़ने वाले को डस्टर कहते हैं यानी डस्ट मीनस होता है धूल और झाड़ने वाला होता है डस्टर पेंसिल पेंसिल जिससे हम राइट करते हैं कलम कॉपी जिस हम राइट करते हैं पेंसिल से स्कूल थिंग्स हो गए ये तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है स्लीपिंग थिंग्स जिसपे हम सोते हैं लाइक मैट काटन क्विल्ट कारपेट टॉवल पिलो ब्लैंकेट कॉटन नैपकिन सॉक्स सॉक्स में सोता है मोजा नैपकिन रुमाल कॉटन रुई ब्लैंकेट कंबल पिलो तकिया टॉवल तौलिया कारपेट दरी वेट मींस रजाई कार्टन मीन्स पर्दा कार्टन मीन पर्दा और मैट मीन्स चटाई इस ये हो गया स्लिपिंग थिंग्स नेक्स्ट है क्लोथ्स यानी कि कपड़े जो हम लोग रेगुलरली रेगुलरली यूज़ करते हैं पहनते हैं लाइक like शर्ट नेपी रूपाल फ्रॉक गर्ल्स पहनती हैं वेस्ट मीनस बनियान अंडरवियर कुर्ता यूनिफॉर्म जो हम स्कूल पहन के जाते हैं या कहीं भी जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के पैंट नेक्स्ट जीन्स इस मतलब उड़नी नेक्स्ट ये तो हो गया क्लोथ्स नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लाइक टंग्स चिमटा बॉल कटोरा बॉल नाइफ चाकू स्पून चम्मच केटल मतलब केतली जग मॉयड्री कढ़ाई एम्ब्रायड्री कढ़ाई डेट मीन्स ढक्कन लडल करछुल प्लेट थाली कप प्याला ये हो गया किचन के जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें ये ये हो गया और नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हो गया होम हमारे घर में क्या क्या होते हैं डोर यानी दरवाज़ा विंडो यानी खिड़की लॉक मीन्स ताला की मीन्स चाबी फैन मीन्स पंखा अम्ब्रेला मीन्स छाता आयरन मीन्स स्त्री यानी इसे हम लोग जनरली कहते हैं प्रेस यान मीन्स धागा हेम्स झूला न्यूज़पेपर means मीन्स अखबार यानी न्यूज़पेपर, पेपर पेपर हम लोग कहते हैं नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड्स लाइक अप डाउन अप मींस ऊंचा डाउन मींस नीचे ऊंचे ऊपर नीचे बिग मींस बड़ा स्मॉल मींस छोटा लॉन्ग लंबा शॉर्ट छोटा फैट मोटा थिन पतला ओपन खुला क्लोज बंद हैवी भारी लाइट हल्का अंडर मींस होता है अंदर और ऊपर मीन्स होता है ऊपर या बाहर हॉट मीन्स होता है ठंडा कोल्ड मीन्स होता है सॉरी हॉट मीन्स होता है गर्म और कोल्ड मींस होता है ठंडा ऑन मीन्स ऑन चालू ऑफ मीन्स बंद राइट मीन्स होता है सही और रॉन्ग मीन्स होता है गलत ये हो गए अपोजिट वर्ड्स सम अपोजिट वर्ड्स नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है प्रोफेशन बारबर यानी नाई जो हमारे बाल काटते हैं उसे हम कहते हैं बारबर मिल्कमैन जो हमें दूध देते हैं उस दूध वाला फार्मर किसान जो हमें अन्न देते हैं शॉपकीपर यानी दुकानदार ये है कुंभार कारपेंटर मन होता है बढ़ई बढ़ई पोस्टमैन डाकिया जो हमें हमारे पत्र को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं उसे यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं उसे डाकिया कहते हैं टीचर यानी शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं डॉक्टर यानी चिकित्सक जो हम बीमार होते हैं तो हमारे इलाज के लिए होते हैं उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है चिकित्सक मैनसून मतलब मैसून मतलब होता है राजमिस्त्री ये हो गया प्रोफेशन नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट माय फैमिली माय फैमिली माय फैमिली यानी मेरा परिवार मेरी परिवार में सबसे बड़े हैं कौन ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर होता है दादाजी यानी जो हमारे पापा के पापा होते हैं ग्रैंड मदर मन्स होता है दादी जी जो हमारे क्या होती हैं फादर की मदर होती हैं और फादर मैंस होता है पिता यानी पापा मदर मस होता है मम्मी माँ ब्रदर मस होता है भाई सिस्टर एस आई एस टी आर सिस्टर मन्स होता है बहन बेबी बच्चा अंकल चाचा जी आंटी चाची जी ये हो गया माई फैमिली नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाय हो हेलो 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 रेगुलरली हम लोग फ़ोन में कहते हैं हेलो प्लीज़ हेलो मैंने सोता है कौन हेलो प्लीज़ मतलब होता है कृपया यानी कुछ भी हमें काम करवाना रहता है तो हम कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ कर दो ना सॉरी माफ़ी मांगना यानी कुछ भी हम गलती कर देते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं सॉरी थैंक्स यानी धन्यवाद जब किसी को हमें धन्यवाद करना रहता है तो उसे हम कहते हैं थैंक्स गुड मॉर्निंग यानी शुभ प्रभात प्रातः यानी सुबह का नमस्कार गुड आफ्टरनून यानी दोपहर का नमस्कार गुड इवनिंग यानी शाम का नमस्कार गुड नाइट यानी रात का नमस्कार गुड बाय मीन्स अलविदा बाय बाय नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है प्राउंस प्राउंस ही व सी व देखिए ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं सी लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं हालांकि होता दोनों का वही है लेकिन लड़की के लिए ही लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी और किसी भी वस्तु यानी सामान के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं आई मींस होता है मैं वी मींस होता है हम यू मीनस होता है तुम दे देस होता है वे दे होता है वे नेक्स्ट है प्रोनाउन दिस मीन्स दिस मतलब ये दैट दोस वे नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब्स एम एम एम्स होता है हूं इज़ है आर हैं हो वर्स था वे ये हो गया हेल्पिंग वर्स नेक्स्ट है दिस एंड दिस दिस इज अ बैट दिस इज अ पेन दिस इज कैप दिस आर बैट्स दिस आर पेन्स एंड दिस आर कैप्स ये हो गया दिस एंड दिस एंड दिस नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है दैट एंड दोज दैट इज़ अ हैट इज़ अ दैट इज अ मैंगो दोज आर हैट्स दोज आर स्टिक्स दोज आर मैंगोज यू गेर दैट एंड दोज और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा माई इंट्रोडक्शन यानी मेरा परिचय माई नेम इज राखी सिंह आप सबको इसमें अपना नेम फिल करना है आई इन क्लास आप सब जिस इस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास का उस क्लास को राइट करना है माय फादर्स नेम इज़ यानी अपने फादर्स का नेम राइट करना है फोर्थ है माय मदर्स नेम इसमें अपने मदर का नेम फिल करना है फिफ्थ है माय ब्रदर्स नेम यानी अपने भाइयों का नेम राइट करना है और नंबर सिक्स है माय सिस्टर्स नेम इज इसमें अपने आप अपने सिस्टर का नेम सॉरी फिल करना है इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हुआ और इसे राइट करना है केयरफुली एक कॉपी में और लर्न करना है और अपने घर में बड़े भाई या बड़े ब, बड़ी बहन यानी बड़े भैया या बड़ी दीदी या पापा मम्मी जो भी हैं उनसे हर रोज़ लर्न करके उनको सुनाना है थैंक यू